विस्थापित प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक गिद्दी दुर्गा मंडप मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता सुरेश बेदिया और संचालन काजी मंसारी एवं बिक्की ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तहत आगामी 22 जुलाई को महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव एवं प्रदर्शन करना है, उसमें कहीं कोई चूक ना रह जाए। साथ ही सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए व मास्क पहनते हुए खुद को सुरक्षित रखते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। बैठक में बड़ी संख्या में मजदूर कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उपस्थित सारे मजदूरों ने जोरदार नारे से पूरे इलाके को गुंजायमान कर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री पुरुषोत्तम पांडे ने कहा कि किसी भी सूरत में संघर्ष समिति का आंदोलन अपने नियत स्थान तक पहुंचेगा और सफलता प्राप्त करेगा। किसी भी सूरत या दबाव में आंदोलन रुकने वाला नहीं। हम अपनी मांगों के लिए पूरा कृत संकल्पित हैं। हमारी मांगे स्पष्ट है कि रेलीगढ़ा लोकल सेल में मजदूरों के नाम की अवैध वसूली बंद हो। आंदोलन रत है। आंदोलन का मुख्य जो बिंदु है कि रेलीगढ़ा लोकल सेल में 12,600 रुपए की अवैध वसूली होती है, लेकिन बामुश्किल मजदूरों को 2,000 से 3,600 रुपए तक ही मिल पाता है। और 248 दंगल वहां 31 साल पहले बने थे, आज यह दंगल वजूद में नहीं है और उस दंगल के नाम पे फर्जीवाड़ा होता है और मजदूरों का शोषण किया जाता है। मजदूर मजबूर है 2,000 रुपए पे लोड करने को। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है